मैं कविता वीरा कुलकर्णी उज्जैन उपासना केंद्र से बोल रही हूँ। हम लोग 13-14 साल पहले यहाँ बापूजी से जुड़े, हमारे पास में संध्या वीरा पागनी से इनका ये उपासना करते थे बापू की, और उनसे हमें बापू के बारे में पता चला। उसके बाद हम लोग यहाँ उपासना करने लगे। उसके बाद जो अनुभव आए हमें, तो वो उसके पहले कभी नहीं आए थे। ईश्वर को हम पहले से मानते हैं, लेकिन बापू से जुड़ने के बाद ईश्वर का और हमारा क्या रिश्ता है? एक आदि माता महिषासुर मर्दिनी, साईं बाबा, इनके जो गुरुचरण मास में हनुमान चालीसा, श्रावण में घोर कष्ट, गुरुक्षेत्र मंत्र पढ़कर जो हमारा ईश्वर से संबंध है वो हमें अब पता पड़ा है, और इसके हमें बहुत कुछ बहुत अच्छे अनुभव आते हैं। और आज भी हमें जो भी समस्या होती है, हम केवल बापू का नाम लेते हैं, उनके सामने प्रार्थना करते हैं, वो समस्या हमारी कैसे दूर हो जाती है वो हमें भी नहीं पता पड़ता। मेरा पहला अनुभव है कि मिस्टर कुलकर्णी जो सिविल इंजीनियर है, इन्हें काम के सिलसिले में अलग अलग साइट्स पे जाना पड़ता है, जहाँ डैम के काम चलते हैं, और उसके बाद फिर शाम को इन्हें इंदौर जाना पड़ता था। एक बार ये घर पे आए और इन्होंने कहा कि कल भोपाल से एक टीम आने वाली है और मुझे सारा हिसाब किताब उनको दिखाना है, वहां सब उनको ले जाना है साइट्स पे। तो इनकी एक कॉपी थी जिसमें सारा हिसाब ये लिखते थे। दूसरे दिन सुबह और फिर उसके बाद 2-3 साइट्स पे जाने के बाद ये इंदौर गए, रात को आए और सुबह इनको दिखाना था अधिकारियों को। और सुबह जैसे ही इन्होंने अपना सामान की तैयारी की, उसमें देखा जो कॉपी इनको चाहिए थी जिसमें सारा हिसाब लिखा था वो कॉपी नहीं मिल रही थी। इन्होंने सब जगह देखा, गाड़ी में देखा, और फिर जब इनके जो एसडीओ है उनसे पूछा, वहाँ जो टाइम कीपर रहते हैं उनसे पूछा, लेकिन किसी को कॉपी नहीं मिली थी। इनकी साइज भी गांव में बिल्कुल इंटीरियर में रहती थी, जहाँ खेत वगैरह भी रहते थे। और उसी दिन बिल्कुल बिन मौसम बरसात हुई थी, बहुत ओले गिरे हुए थे। तो फिर मैंने इनसे कहा कि कुछ चिंता मत कीजिए, बापूजी सब अच्छा करेंगे। इनके पसीने पसीने छूट रहे थे कि अधिकारियों के सामने मैं कैसे दिखाऊंगा। और फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, आप जाइए। ये गए और वहां पे जाके आधा घंटे से इन्होंने मुझे बताया कि कॉपी मिल गई है। वो कॉपी खेत में उल्टी पड़ी हुई थी और उस दिन इतना वहां पे कीचड़ और बारिश गिरी थी, लेकिन इनकी कॉपी का एक अक्षर भी गीला नहीं हुआ था। ये मेरा पहला अनुभव है जिसे बापू ने, मतलब मेरे साथ साथ उनकी भी लाज रखी थी और उन्हें प्रॉब्लम से मुक्ति दिलाई। हरिओम।